शायर कहता है कि इंतजारे शौक है मौला कभू आवाज दे। बोले ना यार सुभान अल्लाह, कि इंतजारे शौक है मौला कभू आवाज दे, इंतजारे शौक है मौला कभू आवाज दे, मैं पुकारू या मोहम्मद और तू आवाज दे। इंतजारे शौक है मौला कभू आवाज दे, मैं पुकारूं या मोहम्मद और तू आवाज दे, और एहतियाते बढ़ के दामन थाम लेती है मेरा, एहतियाते बढ़ के दामन थाम लेती है मेरा, नाम भी लेना मैं चाहूं तो वजू आवाज दे, नाम भी लेना मैं चाहूं तो वजू आवाज दे। आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, जरा एक बार हाथों को उठा कहते या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहे या हुसैन, इस अंदाज में कहे कि हुसैन वाले हैं, औकात बता देते हैं। मिंबरे रसूल को उलमाए कराम है, आप पुश्त बनाए मेरी फरमाएंगे। शायर कहता है कि हुसैन वाले हैं औकात बता देंगे, हुसैन वाले हैं औकात बता देंगे, दुश्मन के इरादों को मिट्टी में मिला देंगे। बोले ना, बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैन वाले हैं औकात बता देंगे, दुश्मन के इरादों को मिट्टी में मिला देंगे। इस्लाम की शरीयत पे न गुस्ताखिया करना, हम नामे अली लेके मैदान हिला देंगे। इस्लाम की शरीयत पे न गुस्ताखिया करना, हम नामे अली लेके मैदान हिला देंगे। अब आइए मुख्तसर से वक्त में एक खिताब आप समाप्त कर ले। हजरत अब जान ले इस बात को कि हम जो सुभान अल्लाह बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, ये हमारा बोलना रायगा नहीं जाता, बल्कि हमारे नामे आमाल में नेकियों का इजाफा हुआ करता है। आप इस बात से बात को जानते हैं, बाकायदा जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारा यहाँ आना ये हुजूर के सदके में है, हमारे सीने के अंदर जो दिल है ये हुजूर के सदके में है, हम जो सांसें लेते हैं ये हुजूर के सदके में है, हम जो खाते हैं ये हुजूर के सदके में है, अल्लाह ने आसमान का जो शामियाना लगाया है हुजूर के सदके में है, अल्लाह ने जमीन का जो फर्श बिछाया है हुजूर के सदके में। मेरे इमाम फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और आगे मेरे इमाम फरमाते हैं कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। बोले ना, बोले सुभान अल्लाह, बोले। मेरे इमाम कहते हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। बस इस सोच के साथ, इस फिक्र के साथ अब नारे का जवाब दे दे। मैं मुल्तबिस हूँ, मैं बरसरे माइक आवाज देता हूँ हजरत हाफिज वकारी फैजान साहब किबला को। बस मुख्तसर से वक्त में, 20 से 30 मिनट के वक्त में आप अपनी खिताब को, अपनी तकरीर को सामाइन को सुनाए और हमारे दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए इनका इस्तकबाल खैर मकदम वेलकम स्वागतम नारे तकबीर और रिसालत के साथ करते हैं। एक एक शख्स हाथ को उठाए और अल्लाह की किबरियाई बयान कर ले। नारे तकबीर। देखिए इस तरह नारे के जवाब मत दीजिए आप, इसलिए कि हम हुसैनी हैं, और तेवर में आकर अब नारे के जवाब दीजिए। हुसैनी तेवर में आकर, इसलिए कि शायर कहता है कि मुअर्रिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, शायर कहता है कि मुअर्रिख जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, वो हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। और जमीन वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। इस अंदाज में नारे के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, एहसाने खाजा गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पृथ्वी राज से लेकर के गिरिराज तक, कितने आए मेरी हस्ती को मिटाने वाले, आज तक हिंद में बच्चे न किसी माने जने, आशिके खाजा को भारत से भगाने वाले।